और क्या आप नेपाल तो मुझे भी नहीं पता है. थैंक यू. चलो भाई यार मंदिर के बिल्कुल ना एंटर पे. नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है. इस टाइम मैं काठमांडू में हूँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू. नेपाल सीरीज हमारी चल रही है. इंडिया से नेपाल आए हुए हमें 4 से 5 दिन हो गए और आज से हमारा काठमांडू एक्सप्लोर करने का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो रहा है. काठमांडू वैसे अपने आप में काफ़ी बड़ा है, अगर एक्सप्लोर करने जाएँ ना तो लगभग हमें 4 से 5 दिन लग जाएंगे काठमांडू एक्सप्लोर करने में. तो काठमांडू में आते ही सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर. तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे बस का. बस स्टॉप के जस्ट पास में हमने रूम लिया था तो ये इजी हो जा रहा है. कहीं भी जाना है तो इजीली बस मिल जा रही है. तो यहाँ पे खड़े होकर अभी हम बस का वेट कर रहे हैं. अब कुछ इस तरीके से भाई काठमांडू दिखता है. वैसे अगर बात करूँ नाइट लाइफ की तो नाइट लाइफ यहाँ की थोड़ी सी डेंजरस है. ठीक है, मतलब ओपनली आप 12-1 बजे तक ना अकेले घूम सकते हो, लेकिन भाई इसमें थोड़ा सा रिस्की है. जैसे किसी भी ऐसे बड़े शहर में रहता है, इंडिया चाहे दिल्ली हो कहीं भी हो, वैसा ही है. भाई साहब फाइनली हमें बस मिल गई है और काठमांडू में सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर. फिर महादेव के आशीर्वाद लेके ना हम लोग आपको काठमांडू के दर्शन कराएंगे. काठमांडू दिखाएंगे काठमांडू कैसा है. वैसे काठमांडू में काफ़ी जगह है यार घूमने के लिए, लेकिन हमारा प्लान था कि काठमांडू पहुँच के ना सबसे पहले हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग काठमांडू घूमेंगे. पशुपतिनाथ मंदिर हमारे होटल से लगभग 9 किलोमीटर दूर था. 20-25 मिनट लगेंगे हमें पहुँचने में. बाकी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है काठमांडू के रोड पे, तो लगभग 1-1.5 घंटा भी लग सकता है. तो देखते हैं कैसा रहता है अपना काठमांडू का सफ़र. फाइनली यार बस वाले ने हमें उतार दिया और हम पशुपतिनाथ मंदिर के गेट पे पहुंच गए. भाई बिल्कुल रोड के पास ही ना यहाँ पे एंट्री पशुपतिनाथ मंदिर की. तो अंदर चलते हैं और बाकी आपको काफ़ी हिस्ट्री है बताने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर की. सबसे पुराना मंदिर है भाई ये काठमांडू का. पशुपतिनाथ मंदिर यार काफ़ी बड़ा है, मतलब अभी मंदिर स्टार्ट हो चुका है और मंदिर के अंदर हम घुस चुके हैं, लेकिन मेन मंदिर के अभी अंदर नहीं घुसे. ये पूरा कॉम्प्लेक्स है मंदिर का. ये देखो इतनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पर और इस तरफ को हमें जाना है. फाइनली हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ को जो रास्ता जा रहा है ना उस पर आ गए और दोनों तरफ ऐसे दुकानें लगी हुई हैं, इस तरफ भी. और आप देखोगे ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे को रुद्राक्ष दिख रहा है, क्योंकि काठमांडू में ना रुद्राक्ष के काफ़ी सारे पेड़ हैं. और मैं आपके लिए ना एक वो ब्लॉग भी बनाऊंगा कि कैसे यहाँ पे लोग जो रुद्राक्ष उसको उगाते, कैसे उसकी खेती होती, कैसे सफाई होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे. अभी तो हम ला जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ, तो आपको पशुपतिनाथ मंदिर दिखाते हैं. बाकी चलो, हमारा वैसे दूसरी बार है, पहले भी हम लोग आए थे, लास्ट ईयर आए थे, लेकिन लास्ट ईयर से ना इस बार काफ़ी चेंज हो चुका है मंदिर में, क्योंकि पिछली बार कुछ डेवलपमेंट इतनी नहीं थी, लेकिन इस बार डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है और साफ़ सफाई तो खैर काफ़ी ज़्यादा है. देखो यहाँ पे ना भाई जी बंदर को अंगूर खिला रहे अपने हाथों से. काटती नहीं ये भैया, काटती नहीं ये. चिल्लाएगा तो एक मैं दूँ उसको, दोगे? ये मेरे हाथ से ले नहीं रहा यार. अच्छा अभी इसके हाथ में है ना. अरे वाह क्या बात है भैया जी, बहुत बढ़िया भाई. ये सही था यार, काफ़ी फ्रेंडली मंकी थे यार बंदर, काफ़ी फ्रेंडली थे. अगर अभी हमारे यहाँ के बंदर होते ना भाई सब, वो तो इतने चिड़चिड़े होते ना, अभी तक मेरा हाथ काट जाते उनको जैसे मैं खिला रहा था. भाई साहब साफ़ सफाई देखो यहाँ पे, कितनी अच्छी साफ़ सफाई है. मतलब यार हमारे हिंदू टेम्पल्स को ना ऐसे ही होना चाहिए, मतलब हर मंदिर ऐसे साफ़ सुथरा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई है. तो मुझे इसको देखे ना अपने केदारनाथ मंदिर की याद आ गई, जहाँ हम लोग जाने वाले हैं. नेक्स्ट मंथ हमारी उत्तराखंड राइड स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग सबसे पहले ना आपको केदारनाथ के द्वार जिस दिन खुलेंगे, वहाँ पर केदारनाथ के द्वार खुलने वाले दिन आपको केदारनाथ के दर्शन कराएंगे. अपना जूता चप्पल रखने के लिए भी मैनेजमेंट बहुत तगड़ा बनाया हुआ है भाई. सामने ऐसे इन्होंने थैले वगैरह रखे हुए, थैला उठाओ अपने जूते डालो और यहाँ सबमिट करा दो, आपको टोकन वगैरह मिल जाएगा. बहुत सही. तो भाई साहब हमने जूते वगैरह उतार दिए अपने और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट था भाई जूते वूते रखने का, जूते अंदर रख दिए. अब चलते हैं अंदर आपको मंदिर में लेके. मंदिर के अंदर यार एंट्री ले ली है और मंदिर के अंदर ना एंट्री करते कुछ इस तरह के नज़ारे हैं भाई. मंदिर के चारों तरफ ना काफ़ी अलग अलग पुराने पुराने टाइप के ना स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जिनको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या है. अब इनमें इस तरफ के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. अब यहाँ पे क्या है, किस देवता की मूर्ति थी या क्या थी वो मैं समझने की कोशिश.
तो भाई यहाँ पे ना मंदिर के आगे एक ऐसी जगह है, यहाँ पे काफ़ी सारे कबूतर इकट्ठे हो रखे हैं और काफ़ी खेल लिए हम इनके साथ में और काफ़ी वीडियोस वगैरह भी बनाए काफ़ी। तो भाई साहब सामने मंदिर, मेन जो मंदिर है पशुपतिनाथ का वो सामने है, जस्ट बिल्कुल सामने। और तो चलो भाई यार मंदिर के बिल्कुल ना एंटर पे हम लोग आ गए और आपका और हमारा साथ यहीं तक का है, क्योंकि अंदर ना यार कैमरा अलाउड नहीं है और अंदर का मैं आपको कुछ दिखा भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अंदर आपका ना कैमरा जेब में रखवा दिया जाएगा और उसके बाद आपको शूट भी नहीं कर सकते। और आपको शूट भी नहीं करना चाहिए, आपको ना जिस भी आप जगह जा रहे हो वहाँ की जो भी कल्चर है या वहाँ के रूल है रेगुलेशन है वहाँ का पालन करना चाहिए और वहाँ की उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अंदर से बाहर आने के बाद ना मैं आपको बताऊँगा कि अंदर क्या क्या चीज़ है देखने के लिए और किस किस तरह की मूर्त है और क्या क्या महत्व है जो अंदर जो जो चीज़ है उन चीज़ का। और नेपाल का ये पशुपतिनाथ मंदिर ना हमारे उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर से भी काफ़ी रिलेटेड है, वो क्या स्टोरी है वो मैं आपको बताऊँगा। बाकी चलते हैं अंदर, दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। हम लोग ना अंदर से आ चुके हैं बाहर और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अंदर कैमरा अलाउड तो है नहीं, तो हम लोग कैमरा अंदर लेके नहीं गए थे, लेकिन कम से कम ना हमने एक डेढ़ घंटा अंदर बिताया और क्या वाइब्स यार, काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी अंदर स्ट्रक्चर्स हैं ना काफ़ी पुराने, मतलब 400 BC क्या बोलते हैं इसको, मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब तकरीबन जो 400 साल का ईस्वी था ना उस टाइम ये बना था। और अंदर जब आप जाओगे ना आपको वहाँ के स्ट्रक्चर, यहाँ की मूर्तियाँ देख के ना आपको लगेगा कि बहुत पुरानी कुछ चीज़ है और अलग ही उनमें कुछ बात है। मतलब आपको ना वो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना आपको समझने के लिए यहीं पे आना पड़ेगा। मैं आपको अपने की ना मैंने अभी हिस्ट्री पढ़ी उसके हिसाब से एक बार शिव जी और पार्वती ना यहाँ पे हिरण के रूप में ना जंगल में घूम रहे थे पशुपतिनाथ मंदिर के एरिया में। वहाँ पे घूमते घूमते ना उनका सींग टूट गया था शिव जी का यहाँ पे, और उसके बाद से ना उस शिव सींग की यहाँ पे पूजा की जाने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना वो सींग जमीन के नीचे धंस गया और कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद वहाँ पे एक गाय थी जो कि डेली ना अपना दूध से उस जगह का मतलब शिवलिंग पे दूध गिराती थी। तो किसी ने देखा उनको ऐसा करते हुए, तो उन्होंने पता लगाया कि भाई ऐसा क्या है जो ये गाय ना डेली यहाँ पे दूध अपना डालती है। तो वहाँ पे जब खुदाई हुई थी पता लगा कि यहाँ पे तो वही वाला शिवलिंग है जिसकी कभी पूजा होती थी। तो उसको खोद के निकाला गया और दोबारा से स्थापित करके यहाँ पे उसकी स्थापना की गई और धीरे धीरे यहाँ के जो नेपाल के राजा महाराजा हुए ना उन्होंने यहाँ का दोबारा से इस मंदिर का निर्माण किया। और काफ़ी अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप के मंदिर है भाई साहब, अंदर आप जाओगे ना आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ऐसी चीज़ है जो हमारी समझ में नहीं है, काफ़ी ऐसी चीज़ है जो हमारी समझ में आई। जैसे कि बिल्कुल मेन मंदिर के बाहर एक पीतल का काफ़ी बड़ा नंदी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पे पूजा करने का ना कुछ विशेष लोगों का विशेषाधिकार होता था जो कि भट्ट हुआ करते थे वो कि तमिलनाडु के तमिल हुआ करते थे, जो के साथ साथ ना यहाँ के कुछ हमारे ही इंडिया के राज भंडारी कुछ होते थे जो कि उनके सहायक होते, जो भट्ट लोग मेन पुजारी होते थे उनके सहायक होते थे। और यहाँ पे ना जो मेन प्रतिमा थी उसको बस भट्ट लोग ही छू सकते थे, जो उनके सहायक होते थे ना वो भी उनको नहीं छू सकते थे, वो बस साफ सफाई के लिए और मैनेजमेंट के लिए वो लोग होते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ना इसी साल नेपाल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ निकाला है कि अब यहाँ पे नेपाली जो पुजारी होते ना वो पूजा करते हैं, पहले यहाँ पे जो इंडिया के पुजारी होते थे वो पूजा करते थे। मेन मंदिर के बिल्कुल पीछे की साइड में ना यहाँ पे एक शमशान घाट भी है। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि भाई जिसकी चिता यहाँ पे जलती है ना वो दोबारा से उसका जो जन्म होता है ना वो इंसान के रूप में होता है, अगर उसके कर्म अच्छे हो तो। ये फिल्टर है भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुकर्म किए और कुत्ते के जन्म वाले काम किए और यहाँ पे आके आपकी चिता जलाई जाए और आप इंसान बन जाओगे। तो भाई ये ना सामने जो आप देख रहे हो यहाँ का शमशान घाट है, बिल्कुल जैसे हमारे काशी में ना मणिकर्णिका घाट का महत्व है, माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट में जिसका भी दाह संस्कार होता है ना उसकी आत्मा को मोक्ष मिलता है, वैसे ही इस जगह का महत्व है नेपाल में। ये जगह बहुत पवित्र मानी जाती है कि अगर आपका आपके शरीर का यहाँ पे दाह संस्कार होगा तो आपको मोक्ष मिलेगा। और तो भाई मंदिर से निकल के हम ना बाहर आ गए हो भाई, सुबह से ना कुछ खाना नहीं खाया है, मतलब सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था और सीधा मंदिर में आ गए थे कि भाई दर्शन के बाद ही कुछ खाएंगे और 6 बज गए, कुछ नहीं खाया सुबह, कुछ नहीं खाया दिन में, कुछ नहीं खाया। तो अभी चल रहे किसी अच्छी सी दुकान में कुछ अच्छा सा खाना खाते हैं। तो क्या कि जब मैं किसी भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करता हूँ ना भाई साहब, मेरे को ना अपने इंडियन खाने से कुछ ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं पहले पता कर लेते हैं भाई कुछ इंडियन मिल जाएगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब नेपाल का इंडियन वाला हिसाब किताब है, तो वहाँ पे जो इंडिया में जो चीज़ें मिलती है ना वो सारी चीज़ें खाने में यहाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ पे एक ना ढाबा सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनसे पता कर लेते हैं कि भाई जी रोटी वगैरह मिल जाएंगी, सब्जी मतलब प्योर वेज रहता है आपके पास, एक एक वो लगा दो पहले उसके बाद फिर रोटी और सब्जी।
तो चलो भाई अपना खाना हो गया और लंच बोल लो, ब्रेकफास्ट बोल लो, डिनर बोल लो, कोई टाइम नहीं, अभी 6 बज गए हैं और अब हमारा ये सुबह से कुछ खाना नहीं खाता, अब खा रहे हैं। तो यहाँ पे भाई साहब रोटी मिल गई है, दाल और छोले मिल गए हैं, पटाख से खा के यहाँ से निकलते हैं और आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में हम यहाँ की मार्केट वगैरह दिखाएंगे। भाई साहब खाना पीना हो गया और खाना क्या सही बना रखा था ना भाई साहब, फुल उसने हरी मिर्च काट काट के फुल स्पाइसी बना रखा था और सिस्करियाँ निकल गई हमारी, ठीक है। बहुत सुपा के लेना बस हमें मिल गई, यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर है और यहाँ पे सीन क्या है ना कि बस को हाथ दे दो बस रुकती नहीं है, बस के पीछे दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है, तो दौड़ दौड़ के बस पकड़ी हमने। तो भाई जी हम लोग ना वैसे जा रहे थे बौद्धा स्तूपा, लेकिन सीन ये हुआ कि यहाँ पे जो बसेज वगैरह है ना वो 7-7:30 बजे तक ही चलती है लोकल बसेज, मतलब हमारा जो होटल है वो है नया बस पार्क की तरफ और वहाँ तक कोई बस नहीं जाएगी, फिर टैक्सी वगैरह बुक करके जानी पड़ेगी। तो और रात का रेट पता नहीं क्या रहेगा और रात में ना वहाँ पे वो एरिया भी थोड़ा ऐसी ऐसी लगता है। तो हम लोग ना अभी फिर बौद्धा स्तूपा कैंसिल कर रहे हैं, अभी अपने होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। न्यू बस पार्क, ओके आजा। वापसी हम लोग ना काठमांडू में बस स्टॉप के पास पहुंच गए अपने होटल के पास में, और अपना प्लान तो वैसे था कि बुद्धा स्तूपा चलेंगे क्योंकि, लेकिन ना यहाँ पे नाइट में इतनी बसेज वगैरह चलती नहीं है तो हम वापस आ गए, नहीं तो क्यों अगर हम वहाँ जाते ना फिर वापसी आना पड़ता गाड़ी वगैरह बुक करके, तो इसलिए हम नहीं गए और वापसी आ गए। कह रहा है कि मुझे ये व्लॉग में लो, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पारस है। पारस क्या काम करते हो? ये भाई हम गाइड है। गाइड मतलब जैसे कोई आता है टूरिस्ट उसको रूम वगैरह दिलवाते हो? रूम ही दिलवाते हो और कुछ भी दिलवाते हो? भाई साहब यहाँ पे मतलब ऐसा है कि ऐसे भाई ना जैसे भाई रूम दिलवा रहे हैं ना, जैसे ये लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर आप आओगे यहाँ पे तो आपको पूछेंगे रूम वगैरह के लिए और आपको लेके जाएंगे होटल्स वगैरह में। और कहीं पे कल हमको कुछ भाई लोग ऐसे ही मिले थे जो रूम के साथ कुछ और भी दिलवा रहे थे भाई। अरे भाई हम तो नहीं करते है ना, तुम शरीफ लड़के लग रहे हो मेरे को। बहुत बढ़िया। तो भाई फाइनली ना हम वापस अपनी गली में आ गए, उसी गली में आ गए जिस गली में हमने होटल लेकर लिया हुआ है। ये वही गली है जिसमें सारे रौंदी क्लब जो हमने आपको कल दिखाए थे ना, ये वही वाली गली है। और यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे लॉन्डे वगैरह आएंगे आपसे पूछते हैं रूम वगैरह के लिए, फिर वो आपको अप्रोच करते हैं जैसे जैसे यहाँ पे बोलते हैं छम्मा, ठीक है। तो छम्मा छम्मा करके बोलते हैं कि छम्मा चाहिए क्या, तो आप समझ जाओ ये छम्मा क्या होता है। अब मैं खुल के तो बोल नहीं सकता वीडियो में। साथ में ना करुणा जी हैं। करुणा जी हाय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। और क्या आप नेपाली में बता सकते हो? बताएं। नो वी आर प्लानिंग। ओके मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ सारी इंडिया की तरफ से कि आप